दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार के सभी विभागों में बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को यहां पर देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जो कि नीतीश कुमार के द्वारा आज के डेट में यहाँ पर बताया गया। देख सकते हैं 17/6/2024 यहाँ पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का दिया गया निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों और रोजगार देने का लक्ष्य को मिशन मोड में देने का दिया गया निर्देश। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है, सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 को 20 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीना में नियुक्ति पत्र वितरण का लक्ष्य है। ये 1,99,000 जो लिखा गया है, ये अभी इसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि पूर्ण हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अध्याचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुकी है, जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना विभिन्न आयोग को भेजने हेतु प्रक्रियाधीन है। ये बात सही है। टीचर का है 3.0 अध्याचना भेजा गया, बिहार एसएससी का 12,000, बिहार पुलिस का 21,000 और भी अन्य विभागों में कई कई हज़ार यहाँ पर वैकेंसियाँ भेजी जा चुकी है। ये बात सही है। यहाँ पर देखिएगा, जब 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना विभिन्न आयोग को भेजने हेतु प्रक्रियाधीन है, इस प्रकार कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी की नियुक्ति हेतु अध्याचना विभिन्न आयोग को भेजी जा चुके हैं या प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। यहाँ पर देखिएगा नीचे 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित। वर्ष 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का भी लक्ष्य है। देखिए लास्ट पॉइंट में लिखा गया है, नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया है। मतलब किसी भी एग्जाम में धांधली ना हो, इसके लिए कानून बनाने के लिए अगले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने निर्देश देंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार सरकार की तरफ से, ये मैंने PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है कि सरकारी नौकरियाँ का भरमार होने वाला है विधानसभा 2025 से पहले। आपको बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरी देखने को मिल सकता है और अभी भी कई विभागों में जो है सरकारी नौकरी निकला हुआ है, फॉर्म भरा गया है, एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सारे विभाग का अध्याचना भेजा जा चुका है और काफ़ी सारे विभाग आयोग को अध्याचना भेजने वाला है। तो विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आपको बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिल सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो खुशी की खबर आप लोग के लिए हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।